हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दिसंदी फैमिली व्लॉग्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये है सुबह का टाइम, मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता और आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। ये वीडियो तो वैसे आपको शाम को ही पहुँचेगा, दूसरे दिन नेक्स्ट डे, तो इसीलिए फ्रेंड्स फ़ोन देख लीजिए आप, टेढ़ा हो जाता है मेरे से कई बार वीडियो शूट करते वक्त, उसके लिए सॉरी। और स्टेबल करने के लिए फ्रेंड्स इसको कुछ है नहीं अभी मेरे पास, तो इसीलिए हाथ में पकड़ के थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती। नाश्ता मेरा हो गया था रेडी, अब मैं खा लूँगी। बच्चों ने खा लिया था, फ्रेंड्स आप भी कर लीजिए मेरे साथ नाश्ता। आज हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स छुट्टी है स्कूलों में, ट्रांसपोर्ट्स की हड़ताल है इसीलिए, तो यहाँ पे बच्चों को मैंने नहला दिया था। काम अभी मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, पहले इनको नहला दिया, गुत वगैरह कर दूँगी इनकी। काव्या जो है ना, बहुत मुश्किल से मेरे हाथ आती है, तो इसके अड़के इतनी पड़ी हुई थी ना, तो सर धोया मैंने, फिर भी ये देखिए पूरे गुंजल पड़े हुए हैं बालों को। तो इसके बाल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पतले हैं, बचपन में मतलब छोटी थी ना सब ज़्यादा, तब कटवा देती तो ठीक था, बट अब ये बालों को हाथ नहीं लगाने देती। तो दो कुत्ते करियो ना फ्रेंड्स तो ठीक रहता है, वरना अगर खुले बाल छोड़ दो ना तो फिर पूरे गुंजल से पड़ जाते हैं बालों में। तो ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों को कर लेती हूँ रेडी पहले, फिर उसके बाद मैंने कपड़े धोने के लिए लगाए हुए हैं, मशीन लगाई हुई है। जब आपको पता मशीन लग जाती है तो फिर तो पूरा दिन यही निकल जाता है सब धोने में ही, कपड़े वपड़े और चादरें वगैरह भी मैं निकाल दूँगी। और ये आपको दिखा रही थी पर्स धरा, और कह रही थी मैंने वो विधि वाला पसंद था इसको पिंक कलर का, आपने मुझे ये ग्रीन क्यों दिलवाया। तो पिंक इसके पास ऑलरेडी होती हैं चीज़ें, इसीलिए मैंने इसको बोला था ये वाला कलर ले ले। तो ये हेयर बैंड लगा रही है, अभी सर धो लिए, इनको जितने मर्जी हेयर बैंड लेके दो फ्रेंड्स फिर भी नहीं दिखते। तो ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों को रेडी करके अपना काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बीच बीच में आपसे बात करती रहूँगी अगर हो पाएगा पॉसिबल तो, ज़्यादा काम है आज मेरे पे, बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए कपड़े पड़े हुए बाहर धोने के लिए, मशीन लगा दी है और ये नॉर्मली रखती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। कुछ कलर जो होते हैं ना कपड़ों के निकलने वाले वो अलग से रखे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको ये चीज़ दिखाते हुए, ये जो तुलसी माँ हमने घर पर पौधा लगाया था तुलसी माँ का, वो सारा इस तरह से हो गया, देखा आपने तो। वो मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ खटक रही है, पता नहीं क्यों हुआ क्यों नहीं। यहाँ पे मैं कपड़े निकाल देती हूँ, एक दो फेर हो गया था मशीन का, कपड़े निकाल के फिर उसके बाद चादरें डाल रही हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने चादरें निकाली हुई हैं। तो मुझे ये ज़रूर बताना तुलसी माँ का ऐसे नुकसान क्यों हुआ, पौधे का क्यों ख़राब हो गया। और ये देखिए सारी चादरें मैंने डाल दी हैं, अब अंदर आ जाऊँगी मैं, अंदर की कर लेते हैं क्लीनिंग फटाफट से। अर्पित बैठा हुआ है और बच्चे अभी लगे पड़े हैं, अभी मैंने घर का कोई काम किया नहीं था, अब शुरू हो जाऊँगी मैं। एक तरफ कपड़े धुल जाएंगे, एक तरफ मेरा घर का काम जो है वो अंदर का क्लीन वगैरह हो जाएगा, तो बर्तन मैं बाद में साफ़ करूँगी फ्रेंड्स। ये सारा नीचे ही सोते हैं फ्रेंड्स हम, यहाँ पर बिस्तर वगैरह डाल के रोज़ बिस्तर उठाने मुश्किल हो जाता है थोड़ा। और यहाँ पे गद्दे रखे हुए थे, मैंने कहा बाहर ही रख देती हूँ, थोड़ी हवा वगैरह लग जाती है। बस फ्रेंड्स इसी तरह से काम वाम ख़त्म करके फिर देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं, पूरा दिन इसी तरह रहता है। जब बच्चे घर पे होते हैं ना फिर तो आप बैठ नहीं सकते, ये बात पक्की है। और यहाँ पे धरा मेरी हेल्प कर रही है, यूनिफॉर्म तो धोई थी बच्चों की बट प्रेस नहीं की थी मैंने, मैंने कहा अभी तू तय करके रख दे, बाद में मैं प्रेस कर लूँगी शाम को। अब तो एक कल जाएंगे, कल दूसरी यूनिफॉर्म है तो आज ये, अब मंडे को पड़ेगी ये वाली यूनिफॉर्म, तो कर दूंगी मैं प्रेस बीच में। और काव्या अपनी पैंट के अंदर डाल रही है टी शर्ट, ये बाहर नहीं रहने देती फ्रेंड्स। तो ये देखिए जो इसने तय लगाई है, ये अर्पित की यूनिफॉर्म है, तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है धरा मेरी ना। यहाँ पे जो रेनू ने दी हुई थी ना गुड्डी, इन्होंने पूरी गुड़िया की बुरी हालत कर दी है, डिब्बे में से निकाल दिया। फ्रेंड्स अब मैं किचन में हूँ, मैंने एक दिन आपको लोहे की कढ़ाई बताई थी फ्रेंड्स, वो तो मैंने कर दी थी तेल वगैरह लगा के उसको साफ़ कर दी थी, आपने बताया था मुझे, बट ये जो है ये बाहर से मुझे साफ़ करवानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आज मैंने चाय नहीं पी, मैंने चाय भी रख दी अपने लिए, और फटाफट से चाय बना के सब्ज़ी देख लेती हूँ कौन सी है कौन सी नहीं। भिंडियाँ पड़ी हुई हैं साथ में, गोभी धो देती हूँ, साथ साथ में चाय बना रही हूँ और साथ में सब्ज़ी धो लेती हूँ। तो बस फ्रेंड्स कल इन्होंने लाई थी, अब देखती हूँ क्या बनाना क्या नहीं। और ये देखिए साफ़ करनी पड़ेगी मुझे अच्छे तरह से, गोभी का इतना टेस्ट नहीं है आजकल, सर्दियों में गोभी का टेस्ट ज़्यादा होता है बट आजकल इतना टेस्ट नहीं है।
चाय मेरी होगी बॉयल, दूध डाल दिया मैंने इसमें और एक तरफ मैंने सब्ज़ी भी साफ़ कर दी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कर रही थी आपसे बात, पीछे मोटर लगी हुई थी, वॉल्यूम के चलते मैंने अपनी वॉइस ओवर ही दे दिया है वीडियो को। तो बात तो मैं कर रही हूँ आपसे, बट काव्या को देख लो आप बहुत ध्यान से, बहुत सारी बातें की हैं, मुझे याद बिल्कुल नहीं है मैंने क्या क्या बोला आपको, बट हाँ मुझे इतना याद है कि काव्या बोल रही थी मुझे मैंने पॉइंट सुनानी है और मैंने कैलाश पर्वत जाना है। आजकल काव्या फ्रेंड्स सोती है ना, जब उठते ही बोलती है मम्मा जी पहाड़ों में चलो भोलेनाथ जी के पास और कैलाश पर्वत चलो, तो इसको पता नहीं क्या है, तो रोज़ इसको कोई ना कोई बहाना मुझे लगाना पड़ता है कि कैलाश पर्वत तो बहुत दूर है। तो बच्चा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझाना, लेकिन समझ जाती है। और अगर इसकी किस्मत में होगा तो फ्रेंड्स ये कैलाश पर्वत भी पहुंच जाएगी, कभी आईफोन मांगती है कभी कैलाश पर्वत जाने की ज़िद, इसकी ये दो ज़िद्दें ना परमानेंट हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, शायद मैं ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ, अभी बात भी यही कर रही थी आपसे कि मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी न्यू आता है मेरे चैनल पर प्लीज़, और फ्रेंड्स बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करो ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। भोलेनाथ जी को है ना लाडू करते हो ना आप, तो भोलेनाथ जी बेटा घर पे भी होते हैं, हाँ सबके पास होते हैं, पार्वती भी होती है उनके साथ, हाँ देख लो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बंद कर देते हैं, अभी एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और ज़रूर कमेंट किया कीजिए फ्रेंड्स, मुझे आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा वेट रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, व्लॉग का एंड कर देते हैं, व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊँगी, बाय, कल मिलते हैं, बाय।